इस वीडियो में बताएंगे आपको कि पेटीएम का जो वॉलेट होता है यानी कि पेटीएम का जो पासबुक होता है उसमें आपको पेमेंट को ऐड करना है पेटीएम के पासबुक या पेटीएम के वॉलेट में। आप गूगल पे से कैसे ऐड कर सकते हो बिना किसी चार्ज के, तो फिर इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको भी जानना है तो इस वीडियो में आपको सही तरीका बताऊँगा, तो बिल्कुल वीडियो छोड़ना मत और पूरा देखना। चलिए आपको बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले आपको पेटीएम ओपन करना है आपका, और पेटीएम में आपका जो भी आपको ऐड करना है पासबुक में, ये पासबुक को क्लिक करना है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, पासबुक क्लिक करने के बाद पेटीएम वॉलेट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऐड, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ऐड मनी टू पेटीएम वॉलेट, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद कितना अमाउंट आपको ऐड करना है पेटीएम वॉलेट में, तो आपको यहाँ पे मैं डेमो करके बता रहा हूँ, इसलिए मैं एक रुपया आपको ऐड करके यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ प्रोसेस्ड पे क्लिक करना है। प्रोसेस्ड पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे आते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ गूगल पे से कैसे ऐड करें पेटीएम के वॉलेट में पेमेंट। तो आपको नीचे आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है भीम UPI का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हो तो तीन ऑप्शन यहाँ पे आते हैं आपको, पेटीएम, गूगल पे, व्हाट्सअप। तो आपको गूगल पे से ऐड करना है तो इसलिए गूगल पे पर राइट लगा दीजिए और उसको क्लिक कर लीजिए और पे रुपये वन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जैसे इस पर आप क्लिक करते हो ना फ्रेंड्स, तो क्लिक करने के बाद ये आपको कहाँ ले जाएगा, गूगल पे में ले जाएगा और वहाँ पर एक परमिशन मांगेगा यानी कि रिक्वेस्ट है, उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। चलिए बताते हैं आपको, ये ऑटोमेटिकली जो है आ जाएगा। उसके बाद UPI पिन एंटर करने की बोलेगा, ये यहाँ पर हमको डायरेक्टली ले आया है। उसके बाद प्रोसेस्ड क्लिक करेंगे और उस पर क्लिक कर। अब आपको मैं बता दूं कि आपका जो पेमेंट था वो ऐड हो चुका है पेटीएम के वॉलेट में। यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे पास 3 रुपये यहाँ पर हो गए हैं। तो ये आपका हुआ है, जो मतलब ये हुआ है आपका पेटीएम वॉलेट में ऐड। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो मैंने इस टॉपिक पर बनाया, आपकी काफ़ी हेल्प हो गई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि और ऐसी वीडियो आप आसानी से देख सकें, इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम।